हेलो एवरीवन, आई एम सोनम जैन, योर होस्ट एंड दोस्त। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रही हूँ उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 2021 में सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स अपीयर करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप एग्जाम्पशन ही नहीं 84 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं सीएस प्रोफेशनल में। यस, बिलीव नहीं हो रहा होगा आपको, 84 मार्क्स यू कैन सिक्योर। हम जो भी बात करेंगे वो फैक्चुअल बेसिस पे करेंगे, कंपैरिजन के बेसिस पे करेंगे। मेरे पास आज एक स्टूडेंट है वैष्णवी बयानी, जिसने AIR 1 सिक्योर किया था, उसकी कॉपी RCET की 84 मार्क्स उसने सिक्योर किए थे, वो मैं आपको शो करूंगी। अलॉन्ग विद एक और स्टूडेंट की कॉपी शो करूंगी जिसने 46 मार्क्स सिक्योर किए हैं। आप दोनों कॉपी को कंपेयर कर पाओगे और पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे और आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो हम सीखेंगे। आप लोग की तैयारियां एकदम जोरों शोरों से चल रही है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हम अपीयरेंस जब करते हैं, जब राइटिंग स्किल्स हम यूज करते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स हम कर देते हैं। तो हम वो मिस्टेक्स ना करें, इसलिए लास्ट मोमेंट पे ये टिप्स आपके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। सबसे पहले मैंने एक कॉपी यहाँ पे ओपन कर रखी है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी अच्छे से। इस कॉपी में मैं पहले इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मिस्टेक कई बार बच्चे कर देते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 6, दैट इज कैंडिडेट शैल स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेश पेज। जब भी आप क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो आपको फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करना है, बीच में से बिल्कुल स्टार्ट मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ICSE हमें सप्लीमेंट कॉपी देने से बिल्कुल मना नहीं करता है। अब जितनी सप्लीमेंट लेना चाहें ले सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल कंजूसाई ना करें। आप पहले एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद पेज अगर आपका आधा बच गया है लीव दैट पेज एंड देन सेकेंड पेज से स्टार्ट करें। इवन आई वुड सजेस्ट कि आप अगर सब पार्ट्स भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो आप सेपरेट पेज पे ही करें, तो उससे मार्किंग में और कंफ्यूजन नहीं होता है कि आपका कहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देन ऑल सब क्वेश्चंस आर Required to be attempted consecutively। जितने भी सब questions हैं किसी भी question के, वो एक साथ ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको question number 1 का A आ रहा था, फिर अचानक से question number 2 का B आ रहा था, आपने mix match करके इस तरह से attempt कर दिया। ये rule guideline exactly यहाँ पे given है, आपको वो follow करना compulsion है। अगर आप follow नहीं करते हैं तो examiner की इच्छा है, वो आपको mark नहीं देगा तो नहीं देगा, you cannot dispute in that regard। तो this is very very relevant thing। बहुत सारी copies मैंने देखती हूँ, बच्चों के marks नहीं आ रहे हैं, बच्चे बोलते हैं मैम कॉपी में क्वेश्चन चेक नहीं हुआ। जब हम चेक करते हैं कि क्यों चेक नहीं हुआ, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 A के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का सी कर दिया, आपका मन किया फिर आपने वापस 1 कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आंसर टू अ न्यू क्वेश्चन कैंडिडेट शैल इंडिकेट क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन इन बोल्ड लेटर्स एक्सेप्ट मेंशनिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन ऑफ ईच पेज कैंडिडेट शैल नॉट राइट एनीथिंग एल्स ऑन द मार्जिन स्पेस। मार्जिन स्पेस जो आपको गिवन है उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही लिखना है, और इवन जरूरी आप लेफ्ट में लिखें, आप ऊपर भी अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पता होना चाहिए एग्जामिनर को कि आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो स्पेसिंग एकदम भर भर के छोड़नी है, एकदम घचड़ पचड़ करके आपको आंसर नहीं रिकॉर्ड करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान देना है, और पेजेस बीच में ब्लैंक नहीं छोड़ने हैं। अगर बीच में बाई चांस आपने किसी सब पार्ट के लिए क्वेश्चन छोड़ा है तो प्लीज PTO जरूर लिख दें, ताकि आपकी कॉपी जो है वो आगे चेक हो जाए, नहीं तो कई बार कॉपी अनचेक्ड रह जाती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लेना एग्जाम में, पहले अच्छे से पढ़ करके फिर उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे। दो ही कलर के पेन अलाउड होते हैं, 1 इज ब्लैक एंड ब्लू, इसके अलावा रेड या अदरवाइज पेन आप यूज नहीं करेंगे। अब मैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाती हूँ, दैट इज व्हाट RCET का जो पेपर आया था जून 21 के अंदर, और उसमें अपनी एक स्टूडेंट थी वैष्णवी बयानी एंड शी सिक्योर्ड AIR 1 एंड साथ ही में RCET में 70s में नहीं 80s में मार्क्स सिक्योर किए, 84 मार्क्स ये है सिक्योर। तो क्या कमाल किया था वैष्णवी ने, जिसमें RCET जैसे सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टफ माना जाता है, बच्चों को डर लगता है कि मैम पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एंड स्टिल शी मैनेज टू सिक्योर 84 मार्क्स इन दैट रेस्पेक्टिव पेपर। तो हमें कुछ सीखना है ताकि हम भी एग्जाम में 84 या 84 से ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक मार्क्स जो है सिक्योर कर सकें। तो लेट्स सी द कॉपी ऑफ वैष्णवी।
देखिए, मैं आंसर शीट दिखाने से पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ और मैं आपको दो कॉपी शो करूंगी कि एक कॉपी में क्या काम किया गया, दूसरी कॉपी में क्या काम किया गया। कंपैरिजन हम करेंगे तब जाकर के यू विल कम टू नो कि किस तरह के मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है। लेट्स सी, ये हमारा पेपर है जून 21 का आरसीडी का। क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रही हूं, रचना एंड राहुल आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे इनकॉर्पोरेटेड ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन द नेम ऑफ आरआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज 50 लाख। पूरे एक स्टोरी दे रखी है क्वेश्चन की, पूरा एंटायर मैं रीड नहीं करती हूं, आपको जनरली बता देती हूं। इसमें आगे इन्होंने क्या बोला था कि वेदर राहुल कैन डू सो कोट द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का। आई होप आप लोगों ने पढ़ाई कर ली तो आपको ऑलरेडी पता होगा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा है आरसीडी का, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। अब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के कंसर्न में पूरा केस स्टडी दे रखा है कि ये केस जो है फाइल हो सकता है नहीं हो सकता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ योर राइटिंग स्किल मैटर्स। देखिए, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जब भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले प्रोविजन लिखिए, देन सिचुएशन एंड देन फाइनली कंक्लूजन करिए। देखिए, एग्जामिनर कभी भी सिचुएशन जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है। तो क्वेश्चन को ही वापस से लिखना, स्टार्टिंग वहां से करना इंप्रेशन डाउन करता है। आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप प्रोविजन पहले लिख लीजिए या कंक्लूजन पहले डाल दीजिए। अब कंक्लूजन इन जनरली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बाई चांस कल को कुछ भी गड़बड़ हुआ कंक्लूजन में तो आपका पूरा का पूरा आंसर कट हो जाएगा। तो सबसे सेफर गेम होता है कि सबसे पहले रिकॉर्ड द प्रोविजन। अगर आप प्रोविजन लिखते हैं और आगे मान लीजिए कंक्लूजन बाई चांस गलत भी हो गया तो एटलीस्ट सिर्फ कंक्लूजन के मार्क्स कटेंगे, प्रोविजन के मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या रिकॉर्ड करना है, प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, आप ये वैष्णवी की कॉपी में आपको शो कर रही हूं, इसमें कितना प्रॉपरली नीट एंड क्लीन क्वेश्चन नंबर 1A प्रॉपर बॉक्स बनाकर के स्टूडेंट ने लिखा है ताकि एग्जामिनर स्किप कर ही नहीं सकता। वो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बच्चे ने स्टार्ट कर दिया है, तो अब अगर वो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेगी तो कोई भी क्वेश्चन अनचेक नहीं रह सकता, एटलीस्ट ये मिस्टेक तो ना हो। अब आप देखेंगे, इस बच्ची ने सबसे पहले, स्टूडेंट ने सबसे पहले सेक्शन 241 जो है वो एक्सप्लेन किया, मतलब प्रॉपर प्रोविजन लिखा है, प्रॉपर प्रोविजन रिकॉर्ड किया। एंड देन जब प्रॉपर प्रोविजन कंप्लीट हुआ, आप देखिए पूरा अच्छे से सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर प्रोविजन रिकॉर्ड किया गया है, ऑलमोस्ट एक पेज का प्रोविजन, जितना भी रेलेवेंट प्रोविजन था इस कंसर्न में कि सेक्शन 241 एप्लीकेबल था वो पूरा रिकॉर्ड किया। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी रिक्विजिट रिक्वायरमेंट थी प्रोविजन के कंसर्न में वो सारी बातें लिखी कि कौन कौन लोग एंटाइटल हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाने के लिए, पूरा कंप्लीट डिटेल डाला है 241-244 का। फिर इन द गिवन केस, ये आ गया सिचुएशन, सिचुएशन ये एक शेयर होल्डर है, मेंबर है ऑफ द कंपनी, दस कंक्लूजन, कंक्लूजन ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन विद एनसीएलटी एज शेयर होल्डिंग इज नॉट नोन, प्रिज्यूम इट इज बियॉन्ड रिक्वायर्ड लिमिट। तो यहां पे प्रॉपर कंक्लूजन भी डाला गया है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बकायदा आप पूरा प्रॉपर प्रोविजन, जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है, आधा अधूरा प्रोविजन नहीं डालना है। यहाँ पे दो सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं 241-244, दोनों सेक्शन स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से डाले हैं। एंड देन उसके बाद सिचुएशन, देखिए सिचुएशन में बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं किया गया है, छोटा सा पूरा क्वेश्चन, इतना बड़ा रामायण दे रखा था, उसको सिर्फ एक दो लाइन के अंदर आपको सम अप करना है। एंड देन फाइनली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंक्लूजन, जब तक कंक्लूजन नहीं है तो आंसर अधूरा रहेगा, तो कंक्लूजन जरूर जरूर लिखना है। अब मैं आपको साइमल्टेनियसली एक और कॉपी शो करती हूँ, वी आर हैविंग वन मोर कॉपी। आप देखिए इस कॉपी के अंदर स्टूडेंट जिसको कितने मार्क्स मिले थे, 46 मार्क्स मिले। पेपर इस बच्चे ने भी पूरा अटेम्प्ट किया है बट स्टिल ही वॉज एबल टू सिक्योर 46 मार्क्स ओनली, जस्ट हाफ मार्क्स आए। अब क्यों आए हैं उसके पीछे भी हम रीजन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि मार्क्स कम मिले। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A हाईलाइट करना चाहिए था, अच्छे से दिखाई देना चाहिए था। इस बच्चे ने सबसे पहले डायरेक्टली ब्रीफ फैक्ट से स्टार्ट किया, ब्रीफ फैक्ट, और ब्रीफ फैक्ट में वापस से पूरी रामायण लिख दी।
क्वेश्चन के सारे फैक्ट्स आपको वापस नहीं डालने होते हैं, क्वेश्चन के फैक्ट्स जो रेलेवेंट है वही, क्यों पूरे रामायण डालनी है कि किसने किसको एक्सपेल किया क्या किया, डोंट रिकॉर्ड इट, जो इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट से कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रोविजन से ही स्टार्ट करना चाहिए। फिर आप देखेंगे जब प्रोविजन की स्टार्टिंग हुई तो सेक्शन 244 लिखा, उसके बाद कटिंग पे कटिंग, कटिंग पे कटिंग, यू कैन सी यहां कटिंग कटिंग, पहले क्वेश्चन में आपने इतनी सारी कटिंग कर दी है तो आपका इंप्रेशन वैसे ही कॉपी में डाउन हो गया है। अब एग्जामिनर एक एक एकदम खोद खोद के चेक करेगा कि भैया आप क्या कर रहे हो। प्लीज सेट योर ब्रेन कि आप क्या करने जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट एंड देन राइट योर आंसर। आपके राइटिंग किस तरह से लिख रहे हो एग्जामिनर को साफ समझ में आता है कि ये बच्चा कॉन्फिडेंट कि नहीं है। जस्ट थिंक, हैव पेशेंस, देन उसके बाद जब आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर है उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करें। जल्दीबाजी में लिख करके फिर कटिंग कटिंग करना इज एब्सोल्युटली नॉट ए गुड थिंग। अब यहाँ पे देखेंगे इस बच्चे ने कंटेंट B241 में इतना ज्यादा नहीं लिखा है, और देन उसके बाद बहुत ही इररेलेवेंट से केसेस यहाँ पे डाल करके, एंड देन कंक्लूजन भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या कंक्लूजन है, तो मतलब मिस्ड अप है, ऐसा लग रहा है बच्चा बहुत कंफ्यूज हो गया है। तो अगर ऐसी कॉपी आप देखेंगे तो आप डिफरेंस देखिए, एक बच्चे ने सटीक आंसर लिखा है डायरेक्टली सेक्शन प्रोविजन देन सिचुएशन एंड देन कंक्लूजन, और एक बच्चे ने पता नहीं क्या क्या रेफरेंस डाल दिए जबकि वो सब कुछ रेलेवेंट ही नहीं था, सिर्फ दो सेक्शन डालने थे 241 244, एंड देन उसके बाद सिचुएशन एंड देन कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन कुछ प्रॉपर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कंक्लूड किया इस क्वेश्चन को। तो ऐसी कॉपी में आप देखिए डिफरेंस, पहली कॉपी में 5 मार्क्स मिले थे, 5, इस कॉपी में एग्जामिनर ने कितने डाल दिए, 2 मार्क्स। एंड रियलाइज की अरे हमने तो पूरा आंसर लिखा था, इतना बड़ा एक पेज का आंसर लिखा है, स्टिल उसके बावजूद भी मार्क्स नहीं मिले। दिस इज द रीजन, हमें समझना चाहिए कभी भी पहली बार सिचुएशन स्टार्ट नहीं करना है, हमें प्रोविजन से स्टार्ट करना है, प्रोविजन को बहुत ही सलीके से रिकॉर्ड करना है, कटिंग नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन में कटिंग करके इंप्रेशन एकदम खराब हो जाता है, देन उसके बाद सिचुएशन को थोड़ा सा ही एक दो लाइन में समाप्त करिए एंड देन फाइनली कंक्लूजन करिए, क्योंकि आपका प्रोविजन एंड कंक्लूजन ये जान होती है किसी भी आंसर की। सिचुएशन तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है वर्क करके, गॉट इट। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसने पूछा था आपसे वेदर अरुण विल सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट, एक्सप्लेन विद डिसाइडेड केस लॉ, एक्सप्लेन विद डिसाइडेड केस लॉ। अब एक क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में अगेन वी विल कंपेयर बोथ द कॉपीज। देखिए यहाँ पे अब स्टूडेंट ने देखो बकायदा एक बॉक्स बना करके बी बनाया है, तो एग्जामिनर को साफ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मतलब कहीं कोई क्वेश्चन स्किप होने का चांस ही नहीं है, देयर इज नो स्कोप एट ऑल। अब यहाँ पे अगेंस्ट आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रोविजन रिकॉर्ड किया है, प्रोविजन बकायदा रिकॉर्ड किया गया है, एंड देन उसके बाद रेलेवेंट केस लॉ पूछा था एग्जाम में तो वो डाला गया है, भारत इंश्योरेंस का एक केस था वो प्रॉपरली डाला गया है, उसका जो कंक्लूजन जो कोर्ट ने दिया था वो डाला गया है, एंड देन फाइनली कंक्लूजन किया गया है, और उसको हाईलाइट भी किया स्टूडेंट ने कि विल डेफिनेटली सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट। आप देखिए यहाँ पे जब आंसर कॉन्फिडेंटली रिकॉर्ड किया जाता है तो एकदम प्रॉपर टू द पॉइंट सही आंसर आता है। टू द पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि हमने बस कंक्लूजन करके लिख दिया, प्रोविजन सही से लिखना चाहिए, देन उसके बाद कंक्लूजन सही से आना चाहिए, तब जाकर के यू सिक्योर गुड मार्क। अगेन दिस स्टूडेंट वॉज एबल टू सिक्योर 5 मार्क्स इन दिस रेस्पेक्टिव क्वेश्चन। एंड वहीं पे एक और कॉपी है मेरे पास, वापस से देखें 1 भी देखते हैं, वापस से ब्रीफ फैक्ट से स्टार्ट कर दिया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रैक्टिस, बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा आपको प्रोविजन से ही स्टार्ट करना है। अब प्रोविजन आपने डाला अगेन, और फिर यहां पे भारत इंश्योरेंस वाला केस डाला, दैट इज ओके, भारत इंश्योरेंस का ही केस डालना था यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे इतनी सारी कटिंग 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 और कंक्लूजन यहाँ पे आपने डाला, और फिर कंक्लूजन के बाद वापस से रीजन आप डाल रहे हो, जब आप प्रोविजन पहले डाल चुके हो तो क्यों टाइम वेस्ट करना है वापस से, प्रोविजन जब आप डाल चुके हो तो, और केस के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है। यहाँ पे केस का डिस्क्रिप्शन जो आना था वो बहुत ही लेसर आया है, यहाँ पे केस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो केस लॉ की डिटेल्स आनी चाहिए थी, डिटेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो केस लॉ की डिटेल्स मिसिंग है इस क्वेश्चन के अंदर। एंड देन यहाँ पे इररेलेवेंट फैक्ट्स डाले गए, इररेलेवेंट जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड नहीं थे, अगेन एग्जामिनर 3 देता 2 पे आ गया, तो आप कंफ्यूज है तो एग्जामिनर को भी कंफ्यूज कर देंगे, मार्किंग कम हो जाएगी।
तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कैसे मार्क्स कट हो रहे हैं। दो कॉपीज हमारे सामने हैं, सेम क्वेश्चन है, दोनों बच्चों के प्रेजेंटेशन में दिन रात का डिफरेंस है। दोनों कॉपी आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये यार सच्ची में डिफरेंस तो है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं और कुछ के बहुत कम आते हैं। एंड वी रियलाइज कि पेपर पूरा अटेम्प्ट किया था, मार्क्स नहीं आ रहे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अभी दे रही हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप सेपरेट क्वेश्चन स्टार्ट करें पहले उसको अच्छे से हाईलाइट कर दें, आप उसको बॉक्स बना के या अंडरलाइन करके दिखाई देना चाहिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। नंबर टू, जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मोस्टली केस स्टडीज आती हैं, तो केस स्टडीज में पहले प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, देन सिचुएशन एंड देन कंक्लूजन। एक और मेजर रीजन बताती हूँ जहां पर बहुत डिफरेंस आते हैं मार्क्सेस के। देखें, देखिए इस बच्चे ने हर जगह ब्रीफ फैक्ट्स पहले डाल दिए। अब यहाँ पे कई कई जगह पे तो सेक्शंस जो हैं उनमें इंटरप्रिटेशन गलत हो गई है। जैसे मैं कुछ नोट्स आपको नोटिंग रीड करके बताती हूँ कि एग्जामिनर ने क्या क्या नोटिंग डाली इनमें। लेट्स सी, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो प्लीज डू नॉट मेंशन द सेक्शन नंबर। सेक्शन 42 एप्लीकेबल था, लिख दिया 13। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इंप्रेशन। सेक्शन नहीं याद है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ जो भी एक्ट है वो लिख दो, दैट इज ओके। बट डू नॉट मेंशन रॉन्ग सेक्शन। रॉन्ग सेक्शन मेंशन करना कतई कतई डेंजरस है, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करना है आपको, ठीक है। देन अब यहां पे देखिए और कहां कहां मिस्टेक्स हैं जो मेजरली बच्चे कर देते हैं। कंक्लूजन गलत है, कंक्लूजन गलत है तो डेफिनेटली मार्क्स तो कटिंग होंगे। तो इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक होती है। तो एक मिस्टेक, राइटिंग लेके कटिंग करना, डोंट डू दैट। क्वेश्चन को शांति से पढ़िए, पूछना क्या चाह रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। जब आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर के अंदर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर होता है, देन कंक्लूजन आप सही से रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इसलिए मिस इंटरप्रिट मत करिए क्वेश्चन को। तो इंटरप्रिटेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आपको दो तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंटली ध्यान देनी है, टाइम और क्वेश्चंस, पेपर दोनों अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं हाफ एन आवर। अब ये भी नहीं है कि एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा लिखते जा रहे हैं कि हमारा बाकी पेपर छूट जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। देन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत ही कम लिख दिया और जल्दीबाजी में पेपर दे दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सिस्टमैटिकली आप इस कॉपी को देखेंगे, इस कॉपी में यू कैन सी कि हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, जहां जहां बच्चे को सेक्शन याद थे सेक्शन के नंबर मेंशन किए गए हैं। ऑब्वियसली सेक्शन नंबर मेंशन करते हो तो आपकी कॉपी बाकी से डिफरेंट होती है, बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप सेक्शन नंबर रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, अभी तक आपने याद नहीं किया। नो, नहीं याद है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। आप वहां पे एज पर एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट या जो भी आप सीपीसी सीआरपीसी या जिस भी रेस्पेक्टिव कोड का लिख रहे हो तो वहां पे आप एप्लीकेबल सेक्शन लिख दो, सेबी का चलेगा। वहां पे जरूरी नहीं कि आप सेक्शन नंबर मेंशन ही करो, लेकिन गलत मेंशन नहीं करना है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हर जगह एकदम प्रॉपर पैराग्राफ चेंज कर करके आंसर रिकॉर्ड किए हैं, बुलेट्स रिकॉर्ड किए गए हैं ताकि प्रेजेंटेशन, ये दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप घसर पसर मत करिए, समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट किया कहां से एंड कर दिया, यू आर नॉट सपोज टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। देन देखिए हर जगह दो दो तीन तीन लाइन के बाद स्पेसिंग, पैराग्राफ चेंज, सिचुएशंस, कंक्लूजन्स। और एग्जामिनर को जब भी स्पेस चाहिए होता है तो स्पेस देना जरूरी है हर क्वेश्चन के बाद, ताकि वो मार्किंग कर सके। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के डिफरेंसेस हैं जो कॉपीज में देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से हम वे बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस कर सकते हैं मार्क्स के अंदर। मतलब छोटी मोटी चीजें जो हमें करेक्ट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेजर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें एकदम नई चीज करनी पड़ेगी। छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर लीजिए, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट गुड पेपर एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कुछ छोटे छोटे टिप्स जो मैंने आज आपको दिए उनको फॉलो करते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि सारे बच्चे जो हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बेनिफिट्स को जान सके कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं वापस से फटाफट से रिकैप कर देती हूँ, हर क्वेश्चन सेपरेट पेज से स्टार्ट करना है, बीच में ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है, अगर छूट जाता है बाई चांस तो पीटीओ जरूर लिख के आना है, ब्लू और ब्लैक पेन से ही रिकॉर्ड करना है, रेड पेन यूज नहीं करना है, पूरे पेपर में एक ही पेन यूज करिए, हाईलाइट कर दीजिए जहां पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले प्रोविजन रिकॉर्ड करिए, देन सिचुएशन एंड कंक्लूजन आप रिकॉर्ड करिए, एक साथ बड़े पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखने, नीट एंड क्लीन काम करिए, ज्यादा कटिंग बिल्कुल मत करिए,
क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, देन उसके बाद ही उसको अटेम्प्ट करिए। अगर इंटरप्रिटेशन गलत हुआ तो डेफिनेटली मार्किंग कम होगी, कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आप चाहे एक मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने में दे दो, लेकिन 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 लिखने के बाद उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, इतना टाइम बचता ही नहीं है। तो इसे पहले से ही अच्छे से पढ़ के आप रिकॉर्ड करिए, अपने टाइमर अपने साथ ले रखिए, आपकी जो भी वॉच है वो रखिए, ताकि हाफ एन आवर से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन को देना ही नहीं है। 3 घंटे टारगेट सेट होना चाहिए, पेपर बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तब जाकर के 50-60 के आसपास मार्क्स सिक्योर हो पाएंगे। और पेपर बहुत अच्छे से, अब जैसे इस बच्चे ने कई सारी जगह सेक्शन मेंशन किए, तो डेफिनेटली कॉपी में इंप्रेशन पड़ता है और इंप्रेशन पड़ता है मार्क्स बाकी उसे अच्छे मिलते ही हैं। और रॉन्ग सेक्शन बिल्कुल नहीं लिखना है, आप एप्लीकेबल सेक्शन लिख दीजिए, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। तो आप इन सारे जो बातें मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स आज आपको बताई है उनको फॉलो करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए। और आपको जो यहाँ पे वैष्णवी की कॉपी अगर देखनी है तो ये कॉपी जो है ये हम आपको शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, हम इसका लिंक शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि AIR 184 मार्क्स कैसे सिक्योर कर रही है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ बिग डील, डेफिनेटली हम लोग भी ये मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।